आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बंदा बहुत ट्रेंडिंग है, हर जगह एक ही बात चल रहा है, ध्रुव राठी, ध्रुव राठी, ध्रुव राठी। अरे ध्रुव राठी है कौन, आया कहाँ से और कौन है ये? तो हर जगह कोई सा भी वीडियो बंदे का आ रहा है तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। और मैं बता दूं, एक भारतीय नागरिक है वो, और इनका यूट्यूब फैमिली है जो कि 22 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर है, और इनकी अप्रैल 2024 तक टोटल वीडियो जो देखी जा चुकी है 4 बिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, और कोई सा भी वीडियो आ रहा है ट्रेंडिंग में चल जा रहा है। तो मैं उनके जीवन परिचय पे बात करूंगा, जिनका नाम है ध्रुव राठी, और 8 अक्टूबर 1994 को इनका हरियाणा में जन्म हुआ था, और अब जो कि इनका जो शेष पढ़ाई था वो अपने दिल्ली से किए अपने माता पिता और भाई के साथ, और अच्छे स्कूलों और अच्छे कॉलेजों का नाम मिलने के कारण जो आगे की जो पढ़ाई थी वो अपने जर्मनी से करने की सोची। और बता दूं आपको कि वो मैकेनिकल लाइन में बहुत शौक रखते हैं, और जो आगे की पढ़ाई की है वो जर्मनी से वो मैकेनिकल लाइन में की है, और उनकी जो लोग सोशल मीडिया पे तो उनको ब्लॉगिंग और एडिटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। तो कुछ ही दिन पहले की खबर है दोस्तों, लेकिन बहुत शॉकिंग है। सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाले जिन्हें हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भारी मात्रा पाई गई इथाइलीन ऑक्साइड की। ये एक पेस्टिसाइड है और ग्रेड 1 कार्सिनोजन है, यानी कि इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है, और इस खबर के बावजूद हमारी सरकार ने देश की जनता को कोई चेतावनी नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के पर वहां लोगों को भड़काने में बिजी हैं। पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को फ्लैग किया है।